নিতায়ের পদ কমলা কোটি চন্দ্র সুশীতলা। নিতায়ের পদ কমলা কোটি চন্দ্র সুশীতলা। নিতায়ের পদ যে ছায়ায় জগত জুড়ায়, যে ছায়ায় যে ছায়ায় জগত জুড়ায়, যে ছায়ায় জগত জু হেন নিতায় বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে না। হেন নিতায় হেন নিতায় বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে না। হেন নিতায় দৃঢ় করি ধর নিতায় পায়, দৃঢ় করি দৃঢ় করি ধর নিতায় পায়, দৃঢ় করি সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার, সে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার, সে সম্বন্ধ সেই পশু বড় দুরাচার, সেই পশু সেই পশু বড় দুরাচার, সেই পশু নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে। নিতাই নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে, নিতাই না বিদ্যা কুলে কি করিবে তা,
विद्या को ले की करी बेता, विद्या को ले अहंकारे मत्तया निताय पद पासरिया, अहंकारे अहंकारे मत्तया निताय पद पासरिया, अहंकारे मत असत्य रे सत्य करी मानी, असत्य रे असत्य रे सत्य करी मानी, असत्य रे नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, नितायर नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, नितायर धरो नितायर चरण दुखानी, धरो नितायर धरो नितायर चरण दुखानी, धरो नितायर चरण दुख नितायर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, नितायर चरण नितायर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, नितायर चरण नितायर पद सदा करो आस, नितायर पद नितायर पद सदा करो आस, नितायर पद सदा करो नरोत्तम बड़ दुखी नितायर मरे कर सुखी, नरोत्तम नरोत्तम बड़ दुखी नितायर मरे कर सुखी, नरोत्तम राख रंगा चरणेर पास, राख रंगा चरणेर पास, राख रंगा नितायी पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, नितायी नितायर पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, नितायर पद जे छायाए जगत जुड़ाए, जे छायाए जे छायाए जगत जुड़ाए, जे छायाए
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই হেন নিতাই হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই দৃঢ় করি ধর নিতাইর পাই দৃঢ় করি ধর নিতাই পাই হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ জয় গৌরনিতায় 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 জয় গৌরনিতায় জয় রাধা পার্থ সারথি রাধা পার্থ সারথি রাধে জয় রাধা সীতারাম লক্ষ্মণ ভক্ত হনুমান সীতারাম লক্ষ্মণ ভক্ত হনুমান জয় প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ 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 নিতাই বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই বল হরি বল নিতাই গৌর প্রেমানন্দে जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा देवी की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री पाणीहाटी चुड़ाधई महामहोत्सव की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। इताय गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे
संकर्षण कारण तय साई गर्भध साई चपयब्धि साई शेषश्च जस्यां सकला सह नित्यानंदाख्य रामं शरणं ममास्तु नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जह्नवापतये नमः नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाव दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनई कपितरौ कमलायताख्यौ विश्वंभरौ द्विजवरौ जुगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमः त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकल त्रयते नमः अवतीर्णौ स्वकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ द्वौ भ्रातरौ भजे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद दधि चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने दधि चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने दधि चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने दधि चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे आनंदित हैल रघुनाथ मने दधि चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने
दधि चिड़ा भक्षण कराह मोर गणी। सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने, दधि चुड़ा भक्षण कराह मोर गणी। सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने, आनंदित हैल रघुनाथ मने। भक्षण कराह मोर गणे। हरे कृष्ण। कोई माता है? दधि चिड़ा भक्षण कराह मोर गणी। सुनी आनंदित हैल रघुनाथ मने। शब्दार्थ दधि दही, चिड़ा चिड़ा, भक्षण कराह खिलाओ मोर गणे मेरे संगियों को। सुनी सुनकर आनंदित हैल अत्यंत प्रसन्न हो गए रघुनाथ रघुनाथ दास मने मन में। अनुवाद, तुम उत्सव मनाओ और मेरे सभी संगियों को दही तथा चिड़ा खिलाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यधिक प्रसन्न हुए। दोहराइए, तुम उत्सव मनाओ और मेरे सभी संगियों को दही तथा चिड़ा खिलाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो ये सारे चैप्टर में यदि दधि चूड़ा प्रसंग में कोई किसी भी श्लोक में प्रभुपाद जी के तात्पर्य नहीं है, तो इसलिए केवल इस श्लोक दधि चूड़ा भक्षण कराने के लिए कौन आदेश दे रहे हैं, कौन कह रहा है श्लोक? नित्यानंद प्रभु आदेश दे रहे किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। ये चूड़ा दही महोत्सव को कौन मनाया था? रघुनाथ दास गोस्वामी, लेकिन नित्यानंद प्रभु के आदेश से। जैसे हम भजन आज गा रहे थे कि निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि करोड़ों चंद्रमास की किरणों से भी अधिक सुशीतल है किसके? चरण कमल की छाया, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल की छाया। और उन्होंने कहे कि ऐसे ही नित्या है ना, निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाते नहीं, नित्यानंद के कृपा के बिना कोई भी राधा कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए दृढ़ करी धर नित्याय पाए, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को दृढ़ता के साथ पकड़े रहो। यदि किसी के संबंध नित्यानंद प्रभु से स्थापित नहीं हुआ है, ये से संबंध नहीं जा रहा, वृथा जन्म गेलतार, उसके जीवन ऐसे वृथा बीत जा रहा है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं और आध्यात्मिक गुरु उन्हीं की प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि यदि नित्यानंद प्रभु के साथ में कोई संपर्क स्थापना नहीं किया और डायरेक्ट राधा कृष्ण के पास भाग रहा है, गौरांग के पास भाग रहा है, प्रकृत में वो राधा कृष्ण या गौरांग को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए से संबंध नहीं जा रहा, जिसके संबंध नित्यानंद प्रभु से स्थापना नहीं हुआ है, वृथा जन्म गलत, उसके जीवन ऐसे वृथा बीत जा रहा है। सही पशु बड़ा दुराचार, वो दुराचारी है, दुष्ट है, पशु है, पशु के समान जीवन बिता रहा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को आश्रय नहीं किया। सही पशु बड़ा दुराचार। निताई ना बोलिलो मुखे, संसार ने मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की करीबे तार। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को आश्रय न करते हुए बा मुख में नित्यानंद प्रभु के नाम को उच्चारण न करते हुए केवल विषय भोग में ही जीवन को जिंदगी बिता रहा है, और जितनी बड़े बड़े डिग्री लेकर विद्या अध्ययन करके बहुत बड़ा विद्वान के रूप में तथाकथित विद्वान के रूप में संसार में उसकी ख्याति होने से उसे क्या लाभ है? विद्या कुले की करी बेतार, इतने बड़े बड़े विद्वान बन के बाद बहुत डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं है, विद्या कुले की करी बेतार। आगे
उन्हें कहते कि अहंकार मत्त होया, किस लिए सही व्यक्ति करता है फलसी को, अहंकार के कारण, अहंकार मत्त होया निताय पद पसारिया। व्यक्ति जब अहंकारी बन जाता है तो फिर वो नित्यानंद प्रभु या नित्यानंद प्रभु की प्रतिनिधि सदगुरु के चरण कमल को भूल जाता है, फिर वो अपने को बहुत बड़ा मानता है, स्वयं घमंड में आकर स्वयं को बड़े सार्थक व्यक्ति समझता है। अहंकार मत्त होया निताय पद पासरिया, असत्य रे सत्य करी मानी। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को भूल जाएगा, सदगुरु के चरण कमल को भूल जाने के बाद फिर असत्य को सत्य समझने लगता है। नीता जो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु को चरण को ही आश्रय करने से ही हमें राधा कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, ब्रजे ब्रजभूमि में राधा कृष्ण को ही प्राप्त कर सकता है जो नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करेगा। इसलिए कहते कि धर नितायर चरण दुखा, नित्यानंद प्रभु की चरण चरण कमल को पकड़े रहो, नितायर चरण सत्य तहार सेवक नित्य। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल ही एकमात्र सत्य है, बा उनकी प्रतिनिधि सदगुरु की चरण कमल को ही पकड़ के रहो। श्री गुरु चरण पद्म केवल केवल भक्ति सद्म, दिस वर्ड है केवल, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, केवल भक्ति सद्म। इस प्रकार कहते कि नित्यानंद निताय चरण सत्य तहार सेवक नित्य, हम उनकी नित्य सेवक है, किनके नित्यानंद के, लेकिन भूल गए जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो निताय चरण सत्य सेव तहार सेवक नित्य, निताय पद सदा कर आस, सदा सदा नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को ही आश्रय करके रहो। और अंत में कहते कि नरोत्तम नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि मैं बड़े दुखी हूँ, हे नित्यानंद प्रभु आप मुझे सुखी बनाइए, सदा आपकी चरण कमल में मुझे आश्रय देकर, राखत रंगा चरण पास, आपकी चरण कमल के छाया में मुझे सदा आश्रय देकर रखिए, मैं बड़ा दुखी हूँ इसलिए आपके चरण कमल को आश्रय किया हूँ। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना कोई भी गौरांग या राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस दृष्टांत को और प्रैक्टिकल समझाने के लिए ये भी ये जो महोत्सव आज चिड़ादही महोत्सव रघुनाथ दास गोस्वामी के, ये इसकी एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत की गई है। किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी भागते थे किसके पास में, गौरांग महाप्रभु के पास में, लेकिन जब तक इनको नित्यानंद की कृपा प्राप्त नहीं हुआ तब तक गौरांग के चरण को प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत प्रारंभ करते हैं तो कहते कि जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ठ, पुरुष रे किट हईते आमी से लघिष्ठ, मोहेन निर्घुण्य बा केवा दया करे एका नित्यानंद बिना जगत संसारी। कहते कि जगाई माधाई से भी मैं बड़ा पापी हूँ, ड्रेन में जो कीड़े घूम रहे हैं वो कीड़े से भी मैं अधिक घृणित हूँ, मैं जैसा ऐसे घृणित व्यक्ति को तीनों लोक में कौन संसार में कृपा करने कर सकता है, कोई मेरे आशा नहीं है। लेकिन एक आशा है, कौन, एका नित्यानंद बिना जगत संसार, केवल नित्यानंद के चरण कमल के बिना मुझे और कोई आश्रय नहीं देख रहा, कि मुझे कोई सहारा बा मेरी सहारा मुझे सहारा दे सकता है भवसागर से उद्धार होने के लिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु लास्ट लिमिट ऑफ मर्सी, दया की सबसे अंतिम लिमिट है। गौरांग ने गौरांग महाप्रभु तो दयालु है लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु उनसे भी अधिक दयालु है। श्रीला प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी गुरु महाराज श्री डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये प्रचार किया, बस श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्य, बस गौरांग राधा कृष्ण। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने देखे कि ये गौरांग महाप्रभु भी ये पतितों को उद्धार नहीं करेंगे, पाश्चात जगत में गए तो महाप्रभु की स्टैंडर्ड है कितना नाम जपना है, 64 माला 64 राउंड। प्रभुपाद जी ने पाश्चात जगत में कहे कि 64 माला जपा करो, कहे कि ये नहीं होगा, 32 माला वो भी राजी नहीं हुए। इसलिए अंतिम में प्रभुपाद 16 माला दिए लेकिन गौरांग के साथ ले आए, किसको, नित्यानंद को। इसलिए इसको में सब जगह देखोगे क्या कौन है, गौरांग के साथ नित्यानंद। इसलिए नित्यानंद अवधूत है, ये कुछ नहीं देखते हैं, ये रूल रेगुलेशन उनके पास में काम नहीं करता है। कोई भी हमारे किनिया लोह भज गौर हरि है, जा रहे देखे, कोई भी देखते किसी को रास्ते में हरे कृष्ण मंत्र गा रहा है, गौरांग गा रहा है, तो नित्यानंद प्रभु कुछ बाच विचार नहीं करते हैं, सभी को आलिंगन कर लेते हैं। चाहे काला कृष्ण को कौन रिजेक्ट कर दिया,
महाप्रभु ने रिजेक्ट किए, लेकिन नित्यानंद फिर भी इसको आश्रय में रखे। हम सभी की स्थिति इसी प्रकार है, कैसे? काला कृष्ण जैसे हैं, सभी अपराधी हैं, सभी भौतिक इंद्रिय तृप्ति का भावना भरा हुआ है अंतकरण में। तो इसलिए एकानित्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि एका नित्यानंद बिना जगत संसार है, मोहे न निर्गुण्य अबाकेवा दया करे। हम जैसे घृणित व्यक्तियों को कौन दया कर सकता तिरुलोक में? केवल भरोसा नित्यानंद के चरण है, वही केवल उद्धार कर सकते हैं। अवधूत है, दयालु है, आदिगुरु है, वही केवल उनकी चरण कमल केवल एकमात्र भरोसा, व उनकी प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी की चरण कमल ही एकमात्र भरोसा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के टॉपिक तो बहुत विशाल हैं, केवल इतना ही आलोचना करेंगे जितने, क्योंकि समय भी सीमित है, कि किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से कृपा पात्र। नित्यानंद रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की पार्षदों में सबसे श्रेष्ठ व तीव्र वैरागी माने जाते हैं। महाप्रभु र गणे रतिहो वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीतहन गौर भगवान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि गौरांग महाप्रभु की जो गण है, इनमें जितने भी वैरागी है, साधक गोस्वामी लोग तो वैराग्य ही वैरागी है, लेकिन समस्त वैरागियों में प्रधान कौन है? दास गोस्वामी। गौरांग वैराग्य ने महाप्रभु गण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीतहन गौर भगवान। गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य को देखकर। इंद्र के समान ऐश्वर्य किसकी पुत्र थे ये? गोवर्धन मुजुमदार उनके बड़े भाई थे, हिरण्य मुजुमदार, हिरण्य गोवर्धन दो भाई थे, सप्तग्राम के अधिपति थे, बंगाल के सप्तग्राम छोटे राजा जैसे ही थे, ये जमींदार थे सप्तग्राम के अधिपति, लेकिन छोटे राजा ही जैसे थे। इंद्र के समान कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान पत्नी था, किनकी? रघुनाथ दास गोस्वामी के। लेकिन ये दोनों इनको आकर्षण नहीं कर पाता था, क्योंकि इसकी मति कहाँ लगा हुआ था? गौरांग के चरण में है। तभी ये सब इनके परिवार में एकमात्र पुत्र थे, लेकिन इनकी पिताजी और ताऊ जी ये सोच रहे थे कि ये हमारा उत्तराधिकारी यही बनेगा, सप्तग्राम के दूसरे जो नेक्स्ट अधिपति कौन बनेगा? रघुनाथ दास है? लेकिन रघुनाथ की मन विषय में नहीं था। बचपन से ही इनके पिताजी ने जिनसे इनके विद्या अध्ययन कराते थे, वो थे बलराम आचार्य। इनके दो गुरु थे रघुनाथ दास गोस्वामी, बलराम आचार्य और जदुनंदन आचार्य। जदुनंदन आचार्य इनके दीक्षा गुरु थे, और बलराम आचार्य घर में ही जाते थे पढ़ने के लिए, पढ़ाई करते थे, संस्कृत व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ते थे। लेकिन बलराम आचार्य घर में सदा कौन आते थे? हरिदास ठाकुर बीच में वहाँ पधारते थे। इसलिए बचपन से ही इनको हरिदास ठाकुर के संग प्राप्त हुआ, किनको? रघुनाथ दास को। और उनकी मुखारविंद से गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण किए। अरे ऐसा ही तो नित्य पार्षद ही उनकी, नित्य सेवक है महाप्रभु के, और महाप्रभु की गुणावली को हरिदास ठाकुर के मुखारविंद से श्रवण करके ही सहज स्वभाव इनकी आकर्षित हो जाता था, मन गौरांग के चरण में दिन रात हा गौरांग, हा गौरांग, हा नित्यानंद है ऐसे ही पुकारते रहते थे। आंशी अश्रुओं की धारा बहता था, और उनकी ऐसे वैराग्य भावनाओं को देखकर माता पिता बड़ा चिंतित हो गए है? तो इसलिए इनको बहुत कम उम्र में शादी करा दिए, सबसे आसपास की जो सबसे सुंदरी लड़की ढूंढकर इनको शादी करा दी, क्योंकि यही सबसे बड़ा बंधन है संसार में, किसी व्यक्ति का मन को संसार में डालने के लिए। तो ऐसे धन और स्त्री यही दोनों ही मुख्य आकर्षण है, माया का मुख्य अस्त्र। लेकिन इनके पास में ऐश्वर्य तो था पहले से इंद्र के समान, और पत्नी भी शादी करा दी, लेकिन ये दोनों आकर्षण उनको संसार के मार्ग पर व संसार के दिग पर अनुमति को भ्रमित नहीं कर सका। ये घर के अंदर भी प्रवेश नहीं किए, शादी करा दी, लेकिन घर के बाहर दुर्गा मंडप में बैठने लगे है, घर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। वो तो पत्नी को देखते थे कि सोचते थे कि काला सर्पिणी है, मुझे माया में गौरांग के चरण से दूर करने वाला ये साधन है, से जाते नहीं थे, घर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे, बाहर में ही दुर्गा मंडप में बैठा रहते थे है। वहाँ बैठ के वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की जपा करते थे। इसके बीच में गौरांग महाप्रभु संन्यास ले लिए, इनको खबर मिल गया, और संन्यास लेकर उन्होंने केशव भारती से काटुआ होकर शांतिपुर में
गंगा के किनारे किनारे नित्यानंद प्रभु गंगा को जमुना कह के इनको लाकर शांतिपुर में अद्वैत भवन में पहुंचा दिए। जब ये खबर रघुनाथ की कान में पड़ा, कहा कि पिताजी ताऊ, यदि आप मेरी प्राण को रक्षा करना चाहते हो, मेरे प्राण गौरांग के चरण कमल को दर्शन करने की मुझे अनुमति दे दीजिए, नहीं तो ये शरीर में धारण नहीं कर सकता हूँ, ये शरीर छूट जाएगा। अत्यंत इनकी काकुति विनती को देखकर और सहन नहीं कर पाए, पर 8 चौकीदार के साथ हैं, बॉडीगार्ड के साथ इनको भेजे, बहुत कुछ भेंट दिए गौरांग महाप्रभु के लिए। उन्होंने भेंट भी बड़े श्रद्धालु थे, गोवर्धन और हिरण्य साधु संतों को सभी को दान करते थे, अद्वैताचार्य को, जगन्नाथ मिश्र को, श्रीवास ठाकुर को, जितनी बंगाल में बड़े बड़े संतों को सभी को दान दक्षिणा देते थे, प्रचुर धन उनके पास था, 1,200,000 स्वर्ण मुद्रा इनकम, तो ये पेपर नोट नहीं, गोल्डन कॉइन है, 1,200,000 स्वर्ण मुद्रा इनकी इनकम था साल में। तो फिर वो कितने संपत्ति होगा, क्या करें, घर में कोई खाने वाला है नहीं, बस एक लड़का, वो तो बाबा है, तो सारे दान करते थे सभी को, हैं इसलिए सभी जानते थे। लेकिन फिर भी महाप्रभु कहते थे कि रघुनाथ, तुम्हारे जो पिताजी और ताऊ, ये भक्त नहीं है, भक्त प्राय, क्योंकि संसार के कोई है नहीं, लेकिन संसार छोड़ने नहीं चाहते हैं, अपने पोजीशन में सम्मान, पूजा मान प्रतिष्ठा में बनाए रहना चाहते हैं समाज में, तो इसलिए बहुत कुछ भेंट देकर उन्होंने भेजे। रघुनाथ गोस्वामी दास गोस्वामी पहुंचे, अद्वैताचार्य पहले से पहचान थे इनको, तुरंत लेकर मिलाए महाप्रभु से, ये रघुनाथ आया है आपको मिलने के लिए, गोवर्धन की लड़का। तो महाप्रभु ने अद्वैताचार्य के संग की इतनी कृपा देखकर रघुनाथ के प्रति, वो भी बहुत कृपा की, महाप्रभु ने सिर में चरण धारण करते हुए, उनको आलिंगन करते हुए, प्रत्येक दिन उनके उचिष्ट इनको प्रदान किए, महाप्रभु की महा महाप्रसाद रघुनाथ को प्रत्येक दिन प्राप्त हुआ। 6-7 दिन के बाद फिर महाप्रभु कहे कि जाओ, कहाँ वापस जाओ। 2 बार रघुनाथ महाप्रभु को मिले, एक बार तो संन्यास लेने के बाद आके रहे, दोबारा फिर जब उन्होंने आए, आ गए पुरी, पुरी से फिर बंगाल की गश्त होकर वृंदावन जाने के प्लान करने के लिए आए थे, प्लान करके आए थे, दोबारा आके अद्वैत भवन रहे थे, फिर दोबारा भी रघुनाथ इस प्रकार आपको मिले। इस समय तो रघुनाथ सोचे थे कि मैं कभी और घर वापस नहीं जाऊंगा, बस गौरांग जहां मैं वही उन्हीं के चरण कमल में ही रहूंगा, कहीं जाने वाला नहीं हूं। लेकिन महाप्रभु ने 7 दिन के बाद उन्होंने कहे कि हैं, मरकट वैराग्य ना कर लोक देखानिया, यथाजुक्त विषय भुंज अनासक्त हया। प्रकृत में मरकट वैरागी रघुनाथ दास नहीं थे, वो तो सच्चे वैराग, लेकिन साधारण सहजियां को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने ऐसा ही कहा, ऐसा ही कह कि अभी ऐसा ही वैराग्य दिखाने का, लोगों को दिखानी है वैराग्य, ऊपर से वैरागी और अंदर से सारे भोग वासना भरा हुआ, ऐसे करने का आवश्यकता नहीं है। अंतरे निष्ठा बाहे लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, कहे कि अंदर में तुम्हारे जो निष्ठा मेरी चरण में है, इसको अंदर में रखो, बाहर में जैसे लोग व्यवहार है, पिताजी माताजी से कैसे डीलिंग करना है, संबंधियों से, मित्रों से, सबके साथ, ऐसे या एक्सटर्नल बिहेवियर बहुत अच्छा रखो, हैं कैसे ना, जैसे कोई स्त्री परपुरुष में मति रखने वाला होता है, तो उसके कोई लवर होता है, लेकिन वो अपने पति का बहुत अच्छा से सेवा करता है, लेकिन अंतकरण में हमेशा चिंतित रहता है, किसके बारे में, इसकी पारमार्थ के बारे में, बस जिसको प्रेम रखता है, तो उसके और बहुत ऐसा ही महाप्रभु ने रघुनाथ दास को आदेश दिए कि तुम सदा अंतकरण में मेरी चिंतन में रहो, मेरी चरण कमल को, लेकिन बाह्य रूप से बाहर, अंतर है निष्ठा बाह्य लोको व्यवहार, बाहर में से ही लोको व्यवहार जैसे आचरण करो। तो महाप्रभु के आदेश को लेकर फिर ऐसे उपदेश प्राप्त करके रघुनाथ वापस आते हैं घर में, और घर में आकर तो बहुत फिर अपने पिताजी माताजी से सबसे बातचीत करने लगे, घर के अंदर में भी प्रवेश करने लगे, इनके व्यवहार सब जैसे साधारण जैसे होने लगा है। तो गोवर्धन और हिरण्य सोचे कि महाप्रभु ने बड़ा आशीर्वाद किया हमारे पुत्र को, अच्छा हुआ अभी तो सब पूरा नॉर्मल हो गया सब कुछ है, तो इनके जो कितने कटकड़ा था सब चौकीदार सब इनके बॉडी गार्ड वगैरह सब उन्होंने ढीला कर दिए सब। और रघुनाथ दास इस प्रकार 1 साल तक घर में रहे, इसके बीच में एक जब वो दूसरे एक मुस्लिम था जिसने प्रकृत में सप्तग्राम का पहले टैक्स कलेक्शन करके देता था हुसैन शाह को, नवाब को, लेकिन बीच में इन्होंने गोवर्धन हिरण्य मुजुमदार ये जाकर और डायरेक्ट नवाब से कुछ किस्ती करके इन्होंने वो सप्तग्राम के जमींदार की पदवी को ले लिए थे, इसलिए बड़ा दुखी था।
वे देखा कि ये लोग 20 लाख मैंने कलेक्शन करता है गोल्डन कॉइन टैक्स के रूप में, लेकिन ये देते किसकी, राजा को देते 12 लाख, उसको दे 8 लाख, इन्होंने ऐसा ही साइड पॉकेट में डाल लेते हैं। तो इसलिए इन्होंने जाके कंप्लेन किया, कहा कि देखो आपका टैक्स ये कलेक्शन करके जो आपको नहीं दिया था पूरा, सब आपने जेब में डाल के रखता है इतना। तो इसलिए मुस्लिम, ये तो ऐसे मुस्लिम था, उनकी फिर सैन्य वहाँ से इनका उजीर बा कोई ऑफिसर को लेकर इनको अरेस्ट करने के लिए आ गया। तो भय से दोनों भाग गए, कौन हिरण्य और गोवर्धन, घर छोड़ के भाग गए, और रघुनाथ था घर में आके उसको अरेस्ट कर लिए, अरेस्ट कर ले गया। और वो डेली इसको मुसलमान जो डेली इसको धमका था कि पिटाई करूंगा तुम्हारा पिताजी, और ताऊ को लेके आओ नहीं तो पिटाई खाओगे। लेकिन रघुनाथ बड़े बुद्धिमान थे, यानी कि यदि कोई वैराग्य संत है तो उसके पास बुद्धि भी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने सोचे कि कैसा इस विपद से किसे मुक्त किया जाए। उन्होंने बड़े प्रेम से कहे, देखो आप मेरे भाव, मेरे पिताजी और मेरे ताऊ और आप, मेरे हिसाब से तो आप तीनों भाई भाई है, कुछ का है धन की का मामला में कुछ आप लोग में बीच में मतांतर है, झगड़े हैं, आज आप लोग शत्रु बने हो, काल तो फिर मित्र बनकर भी एक साथ में बैठकर बातचीत करोगे, मैं देखूंगा। और मैं जिस प्रकार मेरे पिताजी की पुत्र हूँ, इसी प्रकार आपका भी पुत्र हूँ, इसलिए मुझे तो आपको पालन करना मेरे आपका कर्तव्य है, आप पालयिता होकर मेरी कैसे संहार करना चाहते हो, ये तो अच्छा नहीं देखता। ऐसे कहकर जो प्रणाम किया उनको, दाढ़ी बहकर दाढ़ी भीग कर उसकी अश्रु गिरने लगा, किसका है, वो मुसलमान का उजीर का है। तो ने रघुनाथ को तब से कहा कि रघुनाथ तुम मेरे पुत्र हो, आज से तुमको, फिर वो नहीं आज से उजीर बा ऑफिसर को कहकर इनको मुक्त कर दिया, लेकिन कहा कि तुम्हारे पिताजी ताऊ को मिलाओ मेरे साथ में, कुछ समझाता कर दो, वो लोग सारे पैसा खा रहे, मुझे तो बीच में कुछ देना चाहिए, कुछ मुझे देंगे तो मैं चुप रहूंगा। तो फिर रघुनाथ ने आकर अपने पिताजी ताऊजी को उसे मिला दिए, और कुछ धन मैंने धन कुछ समझौता हो गया, वो मुस्लिम को भी कुछ धन दे दिए बीच में, वो चुप रहा। इस प्रकार एक साल बीत गया, लेकिन नेक्स्ट साल से रघुनाथ फिर पागल के समान होने लगे, भागना चाहे कहाँ, घर बार छोड़ के फिर पुरी के मार्ग पर, क्योंकि महाप्रभु ने कहे थे कि मैं वृंदावन गश्त में जब वापस आऊँगा पुरी, फिर तुम किसी उपाय देखकर मेरे पास आना है। तो भी तो भागना चाहे तो बार बार भाग जाते थे, पिताजी जाकर फिर इनको लेके आते थे कहीं दूर दूर से, रात में उठकर भाग जाते थे। माताजी कह रहे थे कि चैन में बांध दो इसको, चैन में बांध के रखो, भाग जा रहा है बार बार। पिताजी कहे कि इंद्र के समान संपत्ति, अप्सरा के समान पत्नी, इससे बड़ा बंधन है संसार में क्या होता है, रस्सी में बांध के रखने से कोई थोड़ी बंधन ही होता है, ये असली बंधन तो इसको बांध नहीं पाता है। चैतन्य चंद्रेर बातुड़ो के राखी थे पारे, ये तो पागल हो गया, किसके प्रेम में, गौरांग महाप्रभु के प्रेम से पागल है, जिसको गौरांग महाप्रभु ने चरण में आश्रय देना चाहते इसको कौन रख सकता है। पिताजी ना भक्त थे, समझ जाते थे सिचुएशन क्या है। तो इसलिए इसके बीच में रघुनाथ देखे कि मुझे क्यों महाप्रभु की आश्रय प्राप्त नहीं होता, लगता है कि सब लोग कहते कि हेनो नीताय विनय भाई राधा कृष्ण, लग रहा है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा लेना आवश्यक है, उनके अंतकरण से सही प्रेरणा उनको प्राप्त हो रहा था। तो उसी पास में सप्तग्राम के पास में पानीहट्टी गांव है गंगा के किनारे, आज भी वो स्थान है, बहुत सुंदर जगह, जहाँ पर राघव पंडित की घर, राघव पंडित बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं, कहते कि चार स्थान पर गौरांग महाप्रभु सब समय विराजमान रहते हैं, सचिर अंगने, शिवास कीर्तने, नित्यानंद नर्तने और राघव भुवने। राघव पंडित के घर में जो कुछ उनकी पता, उनकी बहन दमयंती कुकिंग करती है बड़े प्रेम से महाप्रभु के लिए, ये प्रत्येक दिन नित्य प्रतिदिन महाप्रभु ने साक्षात रूप में इसको स्वीकार करते थे प्रत्येक दिन। तो ये राघव पंडित की गांव है वो पानीहट्टी, और नित्यानंद प्रभु वहीं अपने स्वगण स्वपार्षद द्वादश गोपाल जो कृष्णलीला में थे, वही सब नित्यानंद प्रभु के अंतरंग पार्षद बनकर उनके साथ में संकीर्तन आंदोलन में सहायता करते थे। ये सभी को लेकर गंगा के किनारे बटवृक्ष, विशाल बटवृक्ष, आज भी वो बटवृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे माँ नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे, स्वपार्षद बैठे हुए थे उनके साथ में, मीनकेतन रामदास और अभिराम ठाकुर जितनी 12 गोपाल जो द्वादश गोपाल ये सब बैठे हुए थे, उदाहरण दास ठाकुर सभी साथ में, कई लोग भक्त लोग और जो छोटे भक्त सब नीचे बैठे थे, जो लोग जूनियर थोड़ा, और जो सीनियर सब नित्यानंद प्रभु को घिर कर
बैठे हुए थे, और उस दिन राघव पंडित के घर में उनकी इन्विटेशन था भोजन के लिए, किनका? नित्यानंद प्रभु का। रघुनाथ अपने कुछ सब मैंने साथियों को लेकर पहुंचे उधर, और जाकर दूर से प्रणाम, नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित रहे, करोड़ों सूर्य के समान उनके तेज वितरण हो रहा था, इतनी तेजस्वी, और इतने सारे पार्षद उनके घिर कर बैठे हैं, और वो भी सभी बड़े प्रभावशाली प्रतीत हो रहे थे, कम से कम 20 हाथ दूर से प्रणाम कर रहे थे, दंडवत प्रणाम। हैं रघुनाथ पहले कैसे दंडवत प्रणाम करते थे? पहले दांत में घास के टुकड़े लेते हैं, तृणादपि सुनिचे ना है, दंते तृणधरी है, भकति विनोद पड़े दुह पदधरी है, दांत में तृण का टुकड़ा धारण करते हुए, और ऐसे वस्त्र नहीं, कुर्ता नहीं पहनते थे, कुर्ता निकाल केवल उतरी वस्त्र खाली खुले शरीर में साक्षात दंडवत प्रणाम होकर रघुनाथ ने गिरी, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु के जो सेवक पास में थे कहे कि सब लोग जानते थे सप्तग्राम के जमींदार के पुत्र है, बड़े महान है रघुदास रघुनाथ दास, तो कहे कि नित्यानंद प्रभु कहे कि आपको प्रणाम कर रहा है, कौन प्रणाम कर रहा है? रघु प्रणाम कर रहा है, सेवक ने कहा। तभी नित्यानंद प्रभु कहे कि अच्छा, कौतिकी नित्यानंद सहजे दयामय रघुनाथे कहे किछु हैया सदय। ऐसा ही तो कौतिकी नित्यानंद है, उनको समझना बड़ा कठिन है, कभी किसको दंड दे रहे कि आशीर्वाद दे रहे वही वो स्वयं जानते हैं, बड़े सदय होकर कुछ कहे रघुनाथ के प्रति, निकटे ना आई स चोरा भाग दूरे दूरे आजी लग्या याची दंडी मु तुम्हारे। कहे कि अरे चोर, भागते हो हमेशा मेरे से, है मेरे से नहीं, मेरे से छुपकर इधर भागते हो, है तुम चोर है, किसलिए चोर है? कि गौरांग उनकी संपत्ति है, नित्यानंद की संपत्ति है गौरांग, और ये गौरांग नित्यानंद प्रभु के चरण में आकर डायरेक्ट गौरांग के पास भाग रहे हैं, डायरेक्ट गौरांग, इसलिए मां नित्यानंद प्रभु है कि चोर है तुम, बार बार मेरे से दूर भागता है और मेरे संपत्ति को लूटना चाहता है, किनको? गौरांग को, गौरांग चरण कमल को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए आज तुमको प्राप्त, आज तुमको मेरे पकड़ में तुम आ गया, आज लग गया अच्छी, आज तुम मेरी पकड़ में आ गया हो, आज तुमको निश्चित रूप में दंड दूंगा, बड़े ग्रेव होकर बोलते थे, गंभीर होकर नित्यानंद प्रभु कह रहे थे। सब लोग डर गए, बोले अरे ये चोर क्यों, कैसे हो गया चोर, हैं सप्तग्राम के अधिपति की लड़का है, कोई इंद्र के समान संपत्ति, इसको चोर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, कुछ समझ लोग देख रहे थे, और नित्यानंद प्रभु बड़े गंभीर में बोल रहे थे, सब बोले अरे पता नहीं क्या दंड होगा इनको, हैं तब वो दंड कैसे, नेक्स्ट कहने लगे, दधि चूड़ा भक्षण कराहो मोर गणे सुनी आनंदित हैला रघुनाथ मने, है तुम उत्सव मनाओ और मेरी सभी संगियों को दधि तथा चिड़ा खिलाओ, यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यधिक प्रसन्न हो गए। ये कोई दंड होता है, सब लोग को हंसी आया, जितने बैठे होंगे सबको, है अभी तो सब गंभीर हो गए थे, क्या नित्यानंद प्रभु दंड देंगे, लेकिन अभी जो सुने कि दही चूड़ा खिलाओ ये करे, सब लोग सबके मन में मुख में हंसी आ गया, सब लोग हंसने लगे, बोले अरे ये कोई दंड होता है, और रघुनाथ दास भी बड़े प्रसन्न हो गए। कौतुकी नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु बड़े कौतुकी है, इनको समझ पाना बड़ा कठिन है, कभी किसके छाती में लात लगा करो इसको भी आशीर्वाद करते हैं, किसको छाती में लात लगाए? शिवानंद सेन को है। तो अभी इसको इतना जोर से डांट रहे थे कि तुम चोर है, अभी तुमको दंडित करूंगा, लेकिन साथ साथ करे कि मेरे सब जितने भी पार्षद तुम कहाँ ऐसे घूमते रहते, इनको सब चुड़ा दही खिलाओ आज, हैं तो ये रघुनाथ के लिए कोई दंड थोड़ी होता है, लेकिन ऐसे ही तो रघुनाथ बड़े प्रसन्न हो गए इसको सुनकर। तभी अपने सभी जितने भी उनके साथ में कई लोग थे, सभी लोगों को तुरंत ही आसपास कहीं गांव के सब भेज दिए, बोले जाओ सभी गांव से क्या कलेक्ट करो, खाने का चीज क्या, विशेष रूप में चिड़ा और दही, हाँ चिड़ा दधि दुग्ध संदेश आरा चीनी कला सब द्रव्य आनिया चौदह के धारीला। रघुनाथ दास तुरंत ही आदेश दिए, और इनके जो सब फॉलोअर्स थे, इनके दास सेवक थे, सब गए गांव से, सब ये जहाँ भी जहाँ था मिला चिड़ा दही दूध संदेश, संदेश आप जानते बंगाल के स्वीट है,
यहाँ ठीक से नहीं, बंगाल में ही उसको अच्छे बनाते संदेश, संदेश और चीनी, चीनी और कला, कला ये कहते कि साधारण ऑर्डिनरी कला नहीं, यहाँ पर आप जो बाजार में कला है ना ऐसे कला नहीं, उसमें कहा गया कि चंपा कला, चंपा कला। आप जब जगन्नाथ मंदिर में जाओगे, जगन्नाथ जी के मंदिर सामने केला बेचता है, मतलब जगन्नाथ के लिए लेके जाओगे तो केला वो सेपरेट केला होता है, देसी केला होता है, वो एक एक केला आपको 5-6 रुपया लेता है, हैं वो केला थोड़ा मोटा ही होता है, अच्छे केला मैंने गांव से गांव में होता है, तो देसी केला कहते हैं चंपा केला। तो वो केला वो से केरल साइड में मिलता है, लाल लाल केला भी है, लेकिन लेकिन ये यहाँ पर जो बंगाल में ये चंपा केला एक देसी केला होता है। तो उस केला सब लेकर आए, चीनी और केला, और ऐसे ही जब सब इकट्ठी हो गया आकर, सारे चूड़ा दही दूध केला संदेश सब एकत्रित होने लगा, महोत्सव मनाया जा रहा सुनकर जो लाने वाले गए थे सबको एडवर्टाइजमेंट भी अपने आप कर दिए, सामान भी लिया और एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो उधर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा, कहाँ गंगा के किनारे पानीहट्टी में नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया है रघुनाथ को चिड़ा दही खिलाने के लिए सबको, तो लोग सब भी हजार हजार लोग भागने लगे महोत्सव सुनने, और विशेष रूप में प्रसाद के नाम सुनने से बंगाल और उड़ीसा के लोग पागल हो जाते हैं, प्रसाद में बड़ी प्रसाद के प्रति बड़ा आसक्ति रहता है, यहाँ के कई लोग प्रसाद बोलने से भी कोई लेते हैं, लेकिन बंगाल उड़ीसा और ऐसे एरिया में जाकर प्रसाद बोलोगे तो लोग इसीलिए कहते कि ब्रज जो प्रसाद तो ऐसे बहुत सबको सभी जगह पर है, लेकिन विशेष रूप में जगन्नाथ जी के प्रसाद विशेष है, महाप्रसाद वही अवतरण हुए आध्यात्मिक जगत से, वही महाप्रसाद अवतरण हुए जगन्नाथ जी की महाप्रसाद के रूप में है। कीर्तन तो ऐसे ही बहुत सभी जगह में कीर्तन होता है, लेकिन नवदीप के जो कीर्तन है वो विशेष है। गोलो के रे प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, इसको गौरांग महाप्रभु सपार्षद शिव धाम के साथ वही अवतीर्ण कराए हैं ये हरिनाम संकीर्तन को। इसी प्रकार के ब्रज के क्या प्रसिद्ध है, ब्रज की राज हैं, ये सभी जगह तो धूल नवदीप का भी है जगन्नाथ सब जो है, लेकिन ब्रज की जो राज है इसको तो उद्धव और ब्रह्मा भी अपने सिर में धारण करना चाहते हैं सदा ब्रज की, क्योंकि 11 साल तक नंगे पैर में भगवान सारे ग्वाल बालों के साथ गोप गोपियों के साथ में इस भूमि में घूमे हैं। तो इसलिए प्रसाद के नाम सुनकर सारे गांव के लोग सब भाग भाग कर सब आ गए, हजार हजार लोग जम गए मैंने एकत्रित हो गए, और नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास ने कम से कम 400-500 सो कूलर पहले बोलते ऐसे इतने ही मंगाओ, लेकिन आस्ते आस्ते लोग बढ़ने लगे, कूलर सब दो दो कूलर बड़ा बड़ा कूलर, एक में चूड़ा दही और दूसरे में हैं दूध के साथ दूध चूड़ा, ऐसे ऐसे कूलर सब कई मैंने सबको बांटने के लिए, एक में दूध चूड़ा दही चूड़ा एक में दूध का चूड़ा बांटने के लिए सब कूलर कई मंगा के रखे। इसके साथ पहले तो चूड़ा को भिगाना पड़ेगा ना, इसलिए बड़े बड़े मटका मैंने बड़े बड़े क्या होता है इसको बड़े बड़े कुंडी होता है मिट्टी में, सो बंगाल ओडिशा में सो धान उसमें डालकर मैंने उस पानी में भिगा जाता है, लगभग एक कुंडी में एक मोहन माने 37.5 किलो लगभग 40 किलो उसमें धान आ जाता है बचूड़ा। तो ऐसे ही बड़े बड़े कुंडी मंगा कर उसमें से चूड़ा भिगाए हैं, एक उसको धो के अच्छे से परिष्कार करके और चूड़ा में एक में गर्म दूध के साथ डाला गया और दूसरे दही के साथ हैं, और उसके साथ में फिर गर्म दूध के साथ में उसमें कई चीज़ें डाले, कर्पूर संदेश मिठाई सब मिठाइयाँ भी डालकर और केला सब मिलाकर दो चूल्हा में एक में दही चूड़ा एक में दूध चूड़ा से प्रस्तुत करके रेडी करके रखा गया है। और इसके बाद दो दो कूलर सबको पकड़ा गया, जितने लोग आए थे सबको एक में दही चूड़ा एक में दूध चूड़ा। उत्सव सुनकर तो हजार हजार लोग आए, जो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग सब जो भट्टाचार्य पंडित बड़े बड़े पंडित थे, तो वो लोग को नित्यानंद प्रभु ने विशेष करके ब्राह्मण घर में थे तो उनका ऊपर बैठाए अपने साथ में साथियों के साथ ऊपर बैठाए, लेकिन जगह नहीं मिला तो कुछ लोग ने अपने कुंडिये ऐसे ही मटके पकड़ के गंगा के किनारे किनारे खड़े, कुछ लोग तो पानी के अंदर में भी जाकर खड़े रहे ऐसे कूलर लेकर। अभी देखे कि नित्यानंद प्रभु सारे भक्तों के हाथ में पहुंच गया क्या चूड़ा दही और दही चूड़ा और दूध चूड़ा सबके सब लोग पकड़ के खड़े हो गए, सभी के पास पहुंच गया। तभी उन्होंने अपने आसन के पास में तो दूसरे राइट साइड में और एक आसन के सामने भी रखे चूड़ा और दही
चुड़ा चुड़ा के दही चुड़ा दही चुड़ा और दूध चुड़ा रखे, इसकी बात उन्होंने ध्यान किए। किनको? गौरांग महाप्रभु को ध्यान किए, क्योंकि महाप्रभु ने कहे कि नित्यानंद को वचन दिए थे जब भी तुम स्मरण करोगे मैं वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा, तुम बार बार पूरी नहीं आना, प्रचार करना बंगाल में। इसलिए जो स्मरण किए नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु साक्षात वहां पधार गए। और उन्होंने पधार गए तो नित्यानंद प्रभु ने सबके कूलर में थोड़ा थोड़ा चूड़ा दही ऐसे लेकर महाप्रभु के मुख में देते रहे कौतुक में। और नित्य महाप्रभु भी ऐसे सबके कूलर से थोड़ा थोड़ा चूड़ा लेकर इनको खिलाते थे, किनको? नित्यानंद को। लेकिन सभी लोग महाप्रभु को नहीं देख सकते थे, केवल कुछ भाग्यवान व्यक्ति जिनको विशेष नित्यानंद और गौर की कृपा था, अंतरंग भक्त केवल दर्शन करते थे। अद्यावधि नित्य लीला करे गौराराय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। गौरांग महाप्रभु की ऐसी लीलाओं को सबूत देख नहीं पाते थे, जिनको कृपा था उन्होंने गौरांग महाप्रभु को साक्षात दर्शन करते थे। तो इस प्रकार सभी भक्तों के पास में जब पहुंच गए, फिर नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को बैठाया और स्वयं बैठे और दोनों भाई चिड़ा और दही भक्षण किया महाहरिनाम हरिबोल के साथ। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, सभी भक्त लोग ने हरि बोल कहते हुए चुड़ा दही भक्षण, चुड़ा दही और दूध चुड़ा खा रहे थे और जोर जोर से हरि हरि ध्वनि हो रहा था। इसका बीच में और भी हजार हजार लोग आप प्रवेश करते रहे, और रघुनाथ दास भी जितने भी लोग आते थे गांव के लोग सब आते थे, क्योंकि सुने कि इधर मार्केट बैठ गया है, चुड़ा दही बहुत बेचता है इधर, सब ले लेकर आए बेचने के लिए। लेकिन जितने भी बेचने के लिए आते थे कोई वापस नहीं जाता था, रघुनाथ सभी के चूड़ा दही ले लेते थे और जो लोग आते थे उन्हीं को ही फिर वही उन्हीं का चूड़ा दही फिर उन्हीं को ही खिलाते थे। इस प्रकार बहुत बड़े महोत्सव मनाए। और अंत में जो गौरनिताय भोजन कर चुके थे तो उनके जो कूलर में जो महाप्रसाद था तो वो चारों कूलर, दो कूलर नित्यानंद के दो कूलर गौरांग की, इनके जो महाप्रसाद किसको प्राप्त हुआ? रघुनाथ दास को प्राप्त हुआ। ये जब ऐसा ही उत्सव चल रहा था वहाँ राघव पंडित भी पधारे, राघव पंडित घर में इन्विटेशन था नित्यानंद प्रभु का, तो वो बोले कि इतना अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं नित्यानंद, वो देखने के लिए आए। आगे देख रहे कि तो यहाँ तो दूसरा चल रहा है कुछ है, वो भी हंसने लगे देख कर आ रहे कौतुक की नित्यानंद की ऐसे ही महोत्सव को देख कर हंसने लगे। लेकिन उन्होंने साथ में भी कुछ प्रसाद लेकर आए थे और वो प्रसाद उन्होंने बोले नित्यानंद प्रभु के सामने रखे और फिर उसको सभी भक्तों में बांट दिए। नित्यानंद कहे कि देखो गोपो जाति आमी गोपगण संगे सुख पाई आमी यही पुलिन भोजन रंगे। कहे कि देखो राघव हम तो तुम जानते हो, चाहे अभी ऐसे ही नित्यानंद ब्राह्मण घर में मेरा जन्म और कोई कुछ को बोलता है, लेकिन मैंने ओरिजिनली हूँ कौन तुमको पता है कौन है? हैं गोपो जाति बलराम हूँ, हैं गोपो जाति ब्रज में रहे थे हम लोग, गोपो जाति ही है, हैं गोपो जाति आमी गोपगण संगे पुली न भोजन, माने नदी के किनारे गोप बालकों के साथ में इसे बैठकर खाने में हमको बड़ा अद्भुत आनंद प्राप्त होता है और तुम इस रहस्य को जानते हो, इसलिए आज यहीं पर भोजन करता हूँ, शाम को आपके घर में भोजन करेंगे। तो इस बात सुनकर राघव पंडित थोड़ा प्रसन्न हुए और उनको ही बैठा कर खिलाए, राघव पंडित को बैठा कर चूड़ा दही खिलाए चूड़ा। इसी प्रकार फिर चूड़ा दही महोत्सव नित्यानंद प्रभु के आदेश से रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी में मनाए। आज भी हमारा मायापुर मंदिर से ट्रक में लोडिंग होकर जाता है क्या चूड़ा दही दूध सब जाकर हजार हजार लोगों को उनसे खिलाते उधर, आज मायापुर इस्कन मायापुर की तरफ से वही पानीहाटी में बहुत बड़े चूड़ा दही महोत्सव आज मनाया जाता उधर है। तो इस प्रकार चूड़ा दही महोत्सव हो गया, सभी प्रसन्न हो गया और शाम के समय में फिर नित्यानंद प्रभु गए राघव पंडित के घर में। और राघव पंडित ने बहुत कुछ उनकी बहन दमयंती की सहायता बहुत कुछ कुकिंग किए थे। और उस दिन जब भोजन ऑफरिंग करके भगवान को तब गौरनिताय को दो पत्र में भोजन दिया गया, राघव पंडित देख रहे थे नित्यानंद प्रभु के साथ में भी गौरांग महाप्रभु साक्षात बैठकर भोजन खा रहे थे, तो उनसे बड़ा प्रसन्नता हुआ उनको राघव पंडित को। और दोनों भाई भोजन करने के बाद फिर उनकी उचिष्ट राघव पंडित ने इनको दे दिया, किनको? रघुनाथ दास को। इस प्रकार रघुनाथ दास विशेष रूप में कृपा प्राप्त किए। रघुनाथ दास को हिम्मत नहीं हो रहा था कि डायरेक्ट जाकर कुछ कृपा मांगे, उन्होंने राघव पंडित कहे कि आप थोड़ा मध्यस्थी होकर मेरे लिए प्रार्थना करो, किनको? नित्यानंद प्रभु को, कि
इनकी कृपा नहीं होने से मैं गौरांग के चरण को तो प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। कितनी प्रयास करने पर भी मैं संसार से छोड़कर भाग नहीं पाया, वह गौरांग के चरण को प्राप्त नहीं कर पाया। न गौरांग मुझे आश्रय भी दिए, मुझे भागा दिए, फिर जाओ घर में रहो, इसलिए आप कृपा कीजिए। ऐसे तब वे राघव पंडित को बीच में लेकर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गए नित्यानंद प्रभु के पास और दंडवत प्रणाम करते हुए कहे कि आपको कृपा के बिना कोई गौरांग के चरण को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि आप किसको कृपा करते हैं, कितने बड़े पतित हीन पापी व्यक्ति क्यों न हो, वो बहुत आसान से गौरांग के चरण को प्राप्त कर लेता है, इसलिए आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए जैसे गौरांग चरण मुझे प्राप्त हो। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु कहे कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुमको विशेष कृपा करने के लिए गौरांग महाप्रभु स्वयं यहाँ पर पधारे हैं, तुम्हारे चुड़ादही महोत्सव को अब इसको स्वीकार करने के लिए, तुम्हारे प्रति विशेष कृपा करने के लिए स्वयं गौरांग महाप्रभु यहाँ पर पधारे थे और इनकी उच्चिष्ट तुमको प्राप्त हुआ है, इसलिए निश्चित रूप में बहुत अचिराते बहुत अल्प समय में निश्चित रूप में तो गौरांग के चरण को प्राप्त कर लोगे और तुम जाओ घर में और चिंता मत करो, तुम पुरी में जाकर गौरांग चरण को आश्रय करो और गौरांग महाप्रभु तुमको अपने जो निज सचिव स्वरूप दामोदर के चरण में अर्पण कर देंगे। तो इसी प्रकार तुम उनके अंतरंग पार्षद होकर महाभाग्यवान बनकर ही उनके चरण कमल में पुरी में निवास करोगे, इसलिए कृपा आशीर्वाद दिए नित्यानंद प्रभु। तभी रघुनाथ दास ने राघव पंडित को 100 गोस्वर्ण मुद्रा दिए, 100 स्वर्ण मुद्रा और 7 तोला अलग से सोना कुछ सुना दिए, कहे कि इनको देना किनको, मैंने उनके नित्यानंद प्रभु की जो सेक्रेटरी था जो मैंने कोषाध्यक्ष जो पैसा रखता था वो तो अवधूत है लेकिन उन्हें कोषाध्यक्ष था उसको दिए क्योंकि इसको रखो, लेकिन जब तक मैं इधर हूँ नित्यानंद प्रभु को नहीं बोलना कि मैं इसे दक्षिणा दिया मिल के, बाद में जाने के बाद तो इनको इन्फॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा उन्होंने राघव पंडित को और भी 100 स्वर्ण मुद्रा दिए और कुछ 2 तोला सोना अलग से दिए, कहीं कि और भी जितनी यहाँ पर और वरिष्ठ भक्त लोग सब है इनको भी थोड़ा बहुत सबको दक्षिणा जैसे जिसका योग्य है सबको वितरण करने के लिए हैं। इस प्रकार राघव पंडित भी प्रसन्न हुए, राघव पंडित ने भी रघुनाथ को रास्ता में खाने के लिए बहुत महाप्रसाद दिए। अभी रघुनाथ दास को समझ गए कि अभी जब नित्यानंद प्रभु की आशीर्वाद मिल गया निश्चित रूप में मुझे गौरांग चरण प्राप्त हो जाएगा, तब से आकर घर में आकर और घर में प्रवेश नहीं किए, बस अभी तो डेली फिर कैसे रहा देख रहे थे भागने के लिए। अब पिताजी माताजी तो फिर स्ट्रिक्ट और बॉडीगार्ड पर स्ट्रिक्ट कर दिए, 8 बॉडीगार्ड दो सेवक थे और एक कुक ब्राह्मण कुक, ऐसे 11 टोटल मिलकर 11 लोग इनको घिर के रहते थे। लेकिन इसके बीच में भी जब नित्यानंद की कृपा हो गया, नित्यानंद की आशीर्वाद मिल गया कि अभी गौरांग की चरण मिल जाएगा, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सका। रात्रि में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उनकी गुरुजी जदुनंदन आचार्य उनके मंदिर में कोई पुजारी था, वो सेवा पूजा नहीं करता था, किसी कारण से झगड़ा होकर चला गया था और पूजा करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरा शिष्य है रघुनाथ जमींदार की लड़का है उसको बोलूंगा तो आगे बोल देगा सेवक को, फिर आ जाएगा सेवा में। इसलिए जदुनंदन आचार्य आ गए थे, आकर रघुनाथ के साथ बातचीत करते थे और सुबह सुबह चौकीदार लोग भी थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था, और देखिए कि आपने गुरुजी के साथ चर्चा चल रहा है, कुछ बातचीत चल रहा है, तो गुरुजी कहे कि थोड़ा आओ रघु और वो पुजारी को बोल दो फिर पूजा कार्य में आएगा। तो इसलिए उन्होंने आए, लेकिन गांव के एक बीच में एक चौक था, एक दिख में वो पूजा मैंने जदुनंदन आचार्य घर को रास्ता जाता था, दूसरा पुजारी के घर को रास्ता जाता था। तो वहाँ रघुनाथ कहे कि ठीक है गुरुजी आप घर में जाइए, मैं इसको भेजता हूँ पुजारी को चले। प्रकृत में भगवान ने माध्यम बनाया, उनके गुरु जो हैं जदुनंदन आचार्य के माध्यम बनाए, बस रघुनाथ को बंधन से निकल गए। भागते 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 12 दिन में आकर कहाँ पहुँच गए, पूरी हैं। रास्ते में 3 बार केवल भोजन किए थे, 3 बार भोजन नहीं, 1 बार तो दूध पी लिए थे और कहीं थोड़ा चावल मिला था ऐसे ही। लेकिन ये दृष्टांत से ही हमें शिक्षा मिलता है, यदि नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं तभी गौरांग की चरण बहुत आसन से प्राप्त होता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि हे ना निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धर निताय पाए। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की कृपा आशीर्वाद की महिमा को आज की ये महोत्सव चुड़ा दही की महोत्सव जो रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा
मनाया गया था। यह हमें एक प्रेरणा देता है किस प्रकार है? हम नित्यानंद के चरण को आश्रय करें, अर्थात उनके प्रतिनिधि कौन? सदगुरु श्रील प्रभुपाद जी के चरण अरविंद को आश्रय किए बिना कभी भी राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। हम गाते हैं डेली केवल भक्ति सदम, केवल, और कोई नहीं है, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसी को गुरु नित्यानंद की महिमा को स्मरण रखने के लिए ये विशेष महोत्सव है। हम इसी शिक्षा प्राप्त करें जैसे रघुनाथ दास को स्वामी ने प्राप्त किया, नित्यानंद प्रभु के चरण को आश्रय करके फिर गौरांग को प्राप्त किए। हम भी इसी प्रकार नित्यानंद प्रतिनिधि प्रभुपाद जी के चरणारविंद को आश्रय करके ही फिर राधा पार्थ सारथी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चुड़ादही महामहोत्सव की जय। पानीहाटी चुड़ादही महामहोत्सव की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। प्रह्लाद नृसिंह भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।